يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه بل يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب بل يملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل البليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إيمان والو. जब तुम किसी मुन मद के लिए उधार का कोई मामला करो तो उसे लिख लिया करो और तुम में से जो शख़्स लिखना जानता हो इंसाफ़ के साथ तहरीर लिखे और जो शख्स लिखना जानता हो लिखने से इनकार न करे जब अल्लाह ने उसे यह इल्म दिया है तो उसे लिखना चाहिए और तहरीर वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा हो और उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है और उस हक में कोई कमी न करे हाँ अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा है ना समझ या कमज़ोर हो या किसी और वजह से तहरीर न लिखवा सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवाए और अपने में से दो मर्दों को गवाह बना लो हाँ अगर दो मर्द मौजूद ना हो तो एक मर्द और दो औरतें उन गवाहों में से हो जाएं, जिन्हें तुम पसंद करते हो ताकि अगर इन दो औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे और जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार न करें और जो मामला अपनी मियाद से वाबस्त हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसे लिखने से उकताओ नहीं ये बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीन इंसाफ और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतर ज़रिया है और इस बात की क़रीबी ज़मानत है कि तुम आइंदा शक में नहीं पड़ोगे। हाँ अगर तुम्हारे दरमियान कोई नकद लेन देन का सौदा हो तो उसको न लिखने में तुम्हारे लिए कुछ हर्ज नहीं है और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो और न लिखने वाले को कोई तकलीफ पहुंचाई जाए न गवाह को और अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी और अल्लाह का खौफ दिल में रखो अल्लाह तुम्हें तालीम देता है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है और अगर तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला न मिले तो अदायगी की ज़मानत के तौर पर रहन कब्जे में रख लिए जाए हाँ अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत ठीक ठीक अदा करे और अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है और गवाही को न छुपाओ और जो गवाही को छुपाए वो गुनाहगार दिल का हामिल है और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकफ़ है रिबा और सूद की हरमत का बयान करने के बाद अल्लाह तबारक वाली ने इन आयतों में उधार लेन देन के अहकाम बयान फरमाए हैं यानी एक तरफ सूद की हरमत का ऐलान फरमा दिया और यह फरमा दिया कि सूद इतना बड़ा गुना है कि जो न छोड़े वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन ले लेकिन साथ ही ये फरमाया था कि बै हमने तुम्हारे लिए हलाल की है और बै में ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल हाथ दर हाथ बै हो रही हो यानी बेचने वाला उसी वक्त सामान हवाले कर रहा हो और खरीदने वाला फौरन पैसे दे रहा हो यह भी बै की एक शक्ल है और यह भी बै की और तजारत की एक शक्ल है कि मसलन बेचने वाले ने सामान तो अभी दे दिया लेकिन कीमत के बारे में कोई मुद्दत मुकर कर ली गई कि इतनी मुद्दत के अंदर कीमत अदा की जाएगी इसको बै मुअज्जल कहते हैं अलाह इस में इसके बरखिलाफ़ इसके बिल्कुल बरक्स वो सूरत भी हो सकती है कि किसी शख्स ने ख़रीदार ने पैसे तो पहले दे दिए हैं लेकिन जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो अभी मौजूद नहीं है या बेचने वाले के पास मुहैया नहीं है तो वो एक ख़ास शराइत के तहत वो ख़ास मुद्दत के बाद वो उसको फ्राहम करेगा यानी बेचने वाला फ्राहम करेगा जैसे मसल आमतौर से खेतों में या बागत में इस तरह होता है के जो काश्तकार है उसको ज़रूरत है कि वो बीज वगैरह ख़रीदारी के लिए पैसे चाहिए उसके पास पैसे नहीं हैं तो उस सूरत में वो अपना जो आइंदा पैदा होने वाला फल है वो पेश पेशगी फ़रोख कर देता है इस शर्त के साथ कि भाई पैसे तुम अभी मेरे पूरे पूरे दे दो और मैं मसलन छः महीने के बाद तुम्हें फला फल या फला पैदावार इतनी मक़दार में अदा करूँगा इसको बेसलम कहते हैं और उस सूरत में क्या होता है कि जो कीमत है वो तो फौरन अदा कर दी गई है लेकिन जो चीज़ बेची जा रही है वो उधार है तो ये आयात करीमा जो आ रही हैं ये उधार के मामलत को बयान करने के लिए आई है उसमें सलम भी दाखिल है और बैमाजल भी दाखिल है यानी ये सूरत भी दाखिल है कि पैसे अभी दे दिए गए और जो चीज़ खरीदी जा रही है वो बाद में अदा की जाएगी और वो सूरत भी दाखिल है कि जिसमें अभी चीज़ बेचने वाले ने दे दी है और पैसे बाद में वसूल करेगा तो उसमें जो पहली सूरत मैंने अर्ज़ किया सलम वाली यानी जिसमें के पैसे अभी दे दिए गए और चीज़ बाद में मुहैया की जाएगी जिसको सलम कहते हैं वो हर चीज़ में हर वक्त हर हालत में जायज़ नहीं होता बल्कि उसके लिए मुफसल शराइत हैं जो नबीय करीम सरमल ने बयान फरमाई है वो तफसील चाहती हैं वो उफीक की किताबों में उसकी तफस मौजूद है हर चीज़ के अंदर ये पेशगी सौदा नहीं होती अलबत्त ये जो दूसरी शक्ल है यानी बैजल जिसमें के बेचने वाले ने चीज़ तो अभी दे दी और पैसे वसूल करने के लिए कोई मदद मकर कर ली ये अक्सर वेशतर ये सूरत जायज़ होती है और उसमें जो कीमत भी आपस में बाहम तय हो जाए वो जायज़ है अब इसमें अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले तो ये बात फरमाई कि ऐसा अगर कोई उधार मामला हो तो तुम उसको आपस में लिख लिया करो चुनाच फरमाया कि या योदीना आमू ए ईमान वालों इज़ा तुम बदयीन जब तुम कोई उधार का मामला करो न कहते हैं किसी भी ऐसे माली हक को जो एक शख्स का दूसरे पर वाजिब हो गया हो दाइन में और कर्ज में फ़र्क यह है कि कर्ज तो कहते हैं कि किसी शख्स को कोई नकद रकम दी उधार नकद रकम दी और कहा कि हम तुमसे बाद में वसूल कर लेंगे ये तो कर्ज है यह भी एक तरह के दाइन है क्योंकि जिस शख्स ने कर्ज़ लिया है उसके ज़िम्मे में कर्ज की रकम अदा हो गई है तो अदा रकम का नाम भी दैन होता है लेकिन दैन का लफ्ज़ ज़्यादा वसी और ज़्यादा आम है कर्ज के मुकाबले में कर्ज तो सिर्फ नकद रकम का ही होता है और दैन इस तरह भी हो सकता है कि मसलन मैंने एक कपड़ा किसी को बेचा और यह तय किया कि तुम इसकी कीमत मुझे एक महीने के बाद अदा करोगे तो कपड़ा मैंने बेच दिया और वो एक महीने के बाद जो उसकी कीमत है वो ख़रीदार के ज़िम्मे वाजिब हो गई तो वो वाजिब अदा रक़म उसके ज़िम्मे है एक बामले के, के नतीजे में तो ये भी दैन है या जैसे मैंने हर मिसाल दी थी कि एक काशकार ने पैसे पहले ले लिए हैं और कहा है कि मैं तुम्हें तो तीन महीने के बाद फला पैदावार गंदुम चावल या कोई और पैदावार मैं तुम्हें फराहम करूँगा तय करके कि इतनी इतने मन दूँगा इतने फ़ला तारीख पर दूँगा तो ये भी एक दिन है क्योंकि उस सूरत काश्तकार के जिम्मे ये वाजिब हो गया है कि वो जो तयशुदा जिन्स है तयशुदा मकदार के मुताबिक तयशुदा तारीख पर उसको फराहम करें यह भी एक तरह का दैन है तो दैन हर उस चीज को कहते हैं जो किसी शख्स के ज़िम्मे दूसरे के लिए वाजिब अदा हो तो कर्ज और कर्ज सिर्फ नकद रकम अगर किसी को उधार दी जाए तो उसको कहते हैं तो कर्ज जो है वो एक महदूद माना रखता है और दैन एक वसी माना रखता है जिसमें कर्ज भी दाखिल है। तो अल्लाह तबारक को फरमा रहे हैं कि जब तुम कोई दैन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो इला अजलिम मुसम्मन और दैन का मामला वो मुतन मियाद के लिए हो तो यहाँ दो बातें काबिल जिक्र हैं एक तो ये कि इसमें अल्लाह तबारक वाले ने फरमा दिया कि अगर कोई मामला उधार हो रहा है यानी कोई चीज़ उधार बेची जा रही है तो ये ज़रूरी है कि उस उधार की अदायगी का मुतन वक्त तय कर लिया जाए बै के मामले के अंदर ही अंदर यानी जब ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान बय का अकद हो रहा है तो उसी वक्त ये बात तय हो जाए कि ये कीमत कितने दिनों के बाद अदा की जाएगी कौन सी तारीख को अदा की जाएगी ये बात उसी वक्त तय होना ज़रूरी है अगर वो तय नहीं होती और ये तो तय है कि उधार है लेकिन अदायगी कब होगी ये बात तय नहीं है तो उस सूरत में वो बड़ी अतबार से फासिद है ऐसी वय करना जायज़ नहीं और उसके फासिद जैसे अहकाम होते हैं लिहाजा ये बात तय करना ज़रूरी है कि कितनी मुद्दत के बाद पैसे अदा किए जाएंगे कीमत अदा की जाएगी या अगर सलम है तो उसमें यह तय करना जरूरी है कि कितनी मुद्दत के बाद वो गंदुम या चावल जो भी चाहे चीज सलम के तौर पर ली जा रही है वो उसको फराहम करेगा एक बात तो ये बात क़ुरान करीम ने बतला दी कि मियाद का तय होना बड़ा जरूरी दूसरी बात इससे मालूम हुई कि यह गुफ्तगू जो कुरान करीम फरमा रहा है ये कि ऐसे वकूद की है कि जिसमें में वकूद के अंदर मुद्दत मतन करना शर्न ज़रूरी होता है और मुद्दत अगर मुतिन की जाए तो मुतन हो जाती है मसन उधार बै या उधार इजारा तो इसके अंदर जो मुद्दत मुकर की जाती है वो मुकर हो जाती है इसके मा मसन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी शख्स ने किसी को एक कपड़ा बेचा और कहा कि तुम इसकी कीमत एक माह के बाद अदा कर देना तो एक माह तक उसको न सिर्फ़ यह कि मोहलत है कानून बल्कि बेचने वाले के लिए जायज़ नहीं है कि वो एक माह आने से पहले उससे कीमत का मतालबा करे क्योंकि ये जो मियाद है ये उसके बाहमी बैच माहे का एक लाजमी हिस्सा है तो उससे पहले मुबा करना जायज नहीं है। लेकिन कर्ज में अगर किसी शख्स ने किसी को नकदी कर्ज दी है तो उसमें कोई मियाद मुकर्रर नहीं होती और अगर मियाद कोई आपस में मुकर्रर की भी गई है तो वो उसकी हैसियत महज अखलाकी नौयत की होती है कानूनी नहीं होती अगर फर्ज करो के एक कर्ज देने वाले ने किसी को दस हज़ार रुपये कर्ज दिए और कहा कि भाई तुम मुझे एक महीने के बाद वापस कर देना या कर्ज़ लेने वाले ने कह दिया कि मैं एक माह बाद आपको वापस करूंगा तो अखलाक़ी एतबार से तो इस एक माह की एक इतनी हैसियत है कि भाई जब तक वो महीना ना आ जाए उस वक्त तक कर्ज़ देने वाले को नहीं चाहिए कि वो उससे मुतालबा करे यानी एक मरुबत के ख़िलाफ़ है लेकिन अगर वो किसी वजह से मुतालबा करना चाहे तो कानून उसको हर वक्त हासिल है अगर सुबह को कर्ज दिया था तो शामी को वापस लेने का हक भी हासिल है कि वो सुबह को दिया था और शाम के वक्त में कहते कि भाई मुझे ज़रूरत पेश आ गई मुझे वापस कर दो जरूरत पेश आ गई या नहीं आ गई हर सूरत में कानून उसको मुतालबा करने का हक हासिल है अगर चाहे उसको नहीं चाहिए इसके बरखलाफ अगर किसी ने कोई चीज़ बेची है और बेचकर उसकी कीमत मुकर कर ली है और कहा है कि एक महीने के बाद तुम्हें अदा करना तो फिर उस बेचने वाले को एक महीना गुजरने से पहले मुतालबे का हक हासिल नहीं होता तो यहाँ चूँकि अल्लाह तबारक वाले इला अजलिम मुसमन या जब तुम को उधार का मामला करो एक तयशुदा मियाद के लिए तो इससे माहिर ये वाले रहा है कि मुराद इससे कर्ज़ वाला मामला नहीं है बल्कि इससे मुराद वो मुअज्जल या सलम वाला मामला है यानी मुराद यह है कि जब तुमने कोई चीज़ बेची तो अगर उसकी कीमत उधार रखी गई है तो उस उधार की अदायगी का वक्त मुतय्यन कर लेना बड़ा ज़रूरी है मुसम फिर फरमाया फ्तबूह तो उसको लिख लिया करो अब यह हुक्म अगरचे वजूब के लिए नहीं है यानी शरान वाजिब नहीं है कि जब भी कोई मुदा हो उधार का तो उसको ज़रूर लिखा जाए लेकिन अल्लाह तबारक तारा ने यह हिदायत फरमाई है कि लिख लेना चाहिए अब ज़रा तस्वुर फरमाइए यह उस दौर की बात हो रही है उस दौर में यह आयत नाजिल हो रही है जब लिखने पढ़ने का इतना रवाज नहीं कागज़ भी मैसर नहीं लोग अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो खजूर की छाल इस्तेमाल करते हैं हरन की झिल्ली इस्तेमाल करते हैं हड्डियाँ इस्तेमाल करते हैं कागज़ मैसर नहीं है लिखना भी हरेक को नहीं आता उस जमाने में अल्लाह तबारक तारा फरमा रहे हैं कि अगर उधार का मामला करो तो लिख लिया करो गोया अल्लाह तबारक वाली ने उस दौर में भी जबकि लिखना कोई आसान काम नहीं था लोगों को इस बात की तरगीब दी कि तुम अपने बाहम मामलात को ज़ब्त तहरीर में लाया करो ताकि झगड़े के वक्त में वो तहरीर काम आ सके और झगड़े पैदा ही ना हो तो इससे मालूम होता है कि मामलात को तहरीरी शक्ल में लाने की कितनी बड़ी अहमियत है इसको फ़र्ज वाजिब ना कहें क्योंकि फ़र्ज वाजिब पुरान ने करार नहीं दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार नहीं दिया अगर करार दे देते तो, तो उसमें लोगों के लिए परेशानी का सब होता कि बाद अवत छोटे मोटे मामलात होते हैं आपस में अतमाद होता है उसकी वजह से हर मौके पर लाजम करना कि ज़रूर तुम कोई दस्तावेज़ लिखो ये लोगों के लिए मशक्क़त का सबब बन सकता था तो इसलिए वाजिब पर फ़र्ज तो नहीं किया लेकिन तरगीब इतनी दे दी कि लिखो तरगीब इसलिए दे दी कि बतलाना यह मकसूद है कि जितों तुम्हारे आपस में मामलात होते हैं वो बिल्कुल वाज और साफ़ होने चाहिए शफाफ होने चाहिए और उनका एक बायदा सबूत तुम्हारे पास मौजूद होना चाहिए ताकि अगर किसी वक्त कोई तनाज़ा पेश आ जाए तो उस तहरीर की तरफ रुजू किया जा सके उस दस्तावेज़ को इस्तेमाल किया जा सके इसी से ये बात मालूम हुई कि शरीयत ने बाहमी मामलात की सफाई पर कितना ज़ोर दिया यानी जब आपस में लोग कोई तिजारत कर रहे हैं या कोई ऐसा मामला कर रहे हैं कि जिसमें कोई लेन देन की ज़रूरत पेशानी है तो उसको वाज होना चाहिए हर शख्स को पता होना चाहिए कि उसके ज़िम्मे क्या फरीजा है और क्या उसके हकूक़ हैं ये बिल्कुल वाज साफ़ होना चाहिए लिहाजा जो लोग आपस में रहते हैं वो महज ये सोच कर शर्मा शर्मी में लिखने से परहेज़ ना करें कि भाई हम तो आपस में व्यापाइयों की तरह रहते हैं क्या लिखना है जैसे कि बाद लोगते हैं तो क़ुरान कहता है कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए फिर आगे इर्शाद फरमाया केवल यक तो बई नकुम कुम का बुम और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे इंसाफ़ के साथ लिखे इसमें बता दिया कि चूँकि उस ज़माने में ख़ास तौर पर जब यह नाज़िल हो रहा है उस वक्त हर एक आदमी को लिखना नहीं आता था तो अगर दस्तावेज़ लिखनी है तो किसी कातिब को बुलाना पड़ता था तो फरमाया जा रहा है तुम ही किसी कातिब का इंतखब करो और वो लिखने वाला ऐसा हो कि गैर जानबदार हो तो वो तुम्हारे दरमियान लिखे तो बिल अदल, इंसाफ के साथ लिखे यानी उस लिखाई में वो कोई डंडी ना मारे उस दस्तावेज़ के अंदर वो किसी एक की तरफ झुककर कोई ऐसा लफ्ज न लिख दे जो दूसरे के मफाद के खिलाफ हो क्योंकि फर्ज करो कि अगर असल दो शख्स जिनके दरमियान मददा हो रहा है वो अनपढ़ हैं लिखना नहीं जानते और किसी कातिब को बुलाया गया है तो अब उन बेचारों को तो पता नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है लिहाजा वो कातिब के ऊपर भरोसा करने पर मजबूर हो तो कातिब को ऐसा गैर जानबदार होना चाहिए कि वो ये ना करे कि कोई लफ्ज अपनी तरफ से बढ़ा दिया या घटा दिया जिसके नतीजे में किसी एक का हक मारा गया और दूसरे के पास जाना चला गया इसलिए फरमाया कि इंसाफ के साथ लिखे गैर जानबदार हो बला या अबा चुप और कोई लिखने वाला लिखने से इनकार न करे यानी जब किसी को बुलाया जा रहा है कि भाई तुम हमारे दरमियान मामला हो रहा है तुम्हें दस्तावेज लिख दो तो कासिब को नहीं चाहिए कि उससे इनकार करे क्यों कमा जैसा कि अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है यानी लिखना जो तुम्हें आ गया है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक इल्म है तो इस इल्म का हक हाँ यह है कि उससे दूसरों को फायदा पहुँचाओ तो अगर वो लोग जो लिखना नहीं जानते वो तुमसे मदद लेना चाह रहे हैं तो तुम्हें चाहिए कि उसको इनकार ना करो बल्कि उनकी हतार मदद कर दो इलाइए कि कोई उजर हो कोई कोई ऐसी मजबूरी हो लिखना आपके लिए मुमकिन ना हो रहा हो तो अलग बात है किसी और कातिब को मुहैया कर दो लेकिन जब तक तुम्हें लिखने का इल्म हासिल है और लिखने का मौक़ा भी है तो तुम्हारे लिए इनकार करना दुरुस्त नहीं फल यकतुब क्योंकि अल्लाह ने उसको इल्म दिया है तो उसको चाहिए कि लिखे फिर फरमाया वल अलह अब चूंकि बात उस सूरत की हो रही है जबकि एक तरफ मसलन बेचने वाला है एक तरफ उधार खरीदने वाला है अब दोनों लिखना नहीं जानते दस्तावेज तो नहीं लिख सकते तो उन्हें तीसरे आदमी को बुलाया है कि वो दस्तावेज़ लिखकर ये बात उसके अंदर तहरीर में ले आए कि फलां चीज़ की बह हुई है और उसकी कीमत फलाँ तारीख को अदा की जाएगी तो अब उसका मजमून जाहिर है किसी को लिखवाना होगा अगरचे लिखने वाला कातिब लिख रहा है लेकिन मजमून क्या हो क्या लिखवाया जाए तो वो किसी को लिखवाना होगा इमला कराना होगा डिक्टेट कराना होगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह इमला कराना किसकी जिम्मेदारी है यानी लिखवाना किसकी ज़िम्मेदारी है तो फरमाया कि वो लिखवाए यानी वो इमला कराए जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा है हक़ वो शख्स लिखवाए तहरीर वो शख्स लिखवाए जो जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा हो यानी मसलन उधार की खरीदारी हो रही है तो बेचने वाला तो फ़ौर कोई चीज़ दे रहा है और जो ख़रीदार है वो कीमत बाद में अदा करेगा उसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा है कि वो एक महीने के बाद मसल पैसे अदा करे तो अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो दस्तावेज़ भी वही लिखवाए उधार की दस्तावेज़ वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक वाजिब हो रहा है इससे ये बात भी निकलती है कि अगर फ़र्ज़ करो कि कोई कातब मुफ्त मैसर नहीं आ रहा और कातिब अपने लिखने की उजरत तलब करता है तो उसकी उजरत किसके ज़िम्मे वाजिब होगी तो इससे ये बात मालूम होती है कि चूंकि अल्लाह तबारक व ने यह फरमाया कि लिखवाने की ज़िम्मेदारी उसकी है जिसके ज़िम्मे उधार वाजिब हो रहा है तो अब अगर उसके वो ख़ुद नहीं लिख सकता और कोई शख्स मुफ्त उसके लिए लिखने को तैयार भी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में अगर उजरत देनी पड़े तो उजरत भी उसी की जिम्मे वाजिब होनी चाहिए फिर आगे फरमाया वलिय तकिल्ला रब्बा जो लिखने वाला है वो अपने परवरदिगार से अल्लाह से डरे यानी इस बात से डरे कि अगर मैंने कोई आगे पीछे कर दिया या इसमें कोई तब्दीली कर दी कोई किसी के हक में किसी के खिलाफ कोई ऐसा काम कर दिया जो मदे की रूह के खिलाफ है तो अल्लाह ताला के हाँ मेरी पकड़ोगे गल तक वला बलाय खश मनुष सैयाह और वो जो हक वाजिब हो रहा है किसी का उसमें से कुछ भी कमी ना करे बल्कि जैसा मामला हुआ है ठीक ठीक सौ फीसद उसी तरह लिखवाए फिर फरमाया कि बात मरतब ऐसा होता है कि जिन लोगों के दरमियान मामला हो रहा है वो न तो खुद लिखने के अहल उनमें से कोई एक फरीक कम अज़ कम न खुद लिखने का अहल है यानी खुद लिख नहीं सकता न लिखवाने का अह क्योंकि उसको बेचारे को कभी तजर्बा ही नहीं है तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में उसका जो सरपरस्त हो वो लिखवा मैं सर नाबालिग बच्चा है नाबालिग बच्चे की कोई जायदाद फ़रुख्त हो रही है मिसाल के तौर पर या नाबालिग बच्चे के लिए कोई ख़रीदारी की जा रही है तो इसे सारे इन तमाम सूरतों में जो उसका वली या सरपरस है वो उसके कायम मुकाम होता है और उसके कायम मुकाम उसकी नियाबत में काय मुकाम बनकर उसके लिए वो अगद करता है तो इसी तरह जब किसी ने अगद किया हो तो फिर उस सूरत में उस वली को यह हक हाँ है कि वो लिखवाए और इसी तरह वो हु उसमें वो शख्स भी दाखिल है कि जो अकली अतबार से कमज़ोर है अक़ल कमज़ोर है तो उस सूरत में भी उसका वली उसको लिखवाए तो फरमाए इनकान लदीअली अगर वह शख्स जिसके ज़िम्म हक़ वाजिब हो रहा है ना सफ़ी हन वह अगर ना समझो अवज़ाई फन या कमजोर हो अवलाए सत्य चीज़ मिलना हुआ या किसी और वजह से वो ताकत नहीं रखता कि वो खुद इमला कराए मसन गूंगा है कैसे इमला कराएगा फल बिल बिलादिल तो फिर ऐसी सूरत में उसका जो सरपरस्त है वो इमला कराए यानी वो दस्तावेज़ लिखवाए बिलआदल और वो भी फिर इंसाफी के साथ लिखवाए जैसा कि पहले हुक्म दिया गया था कि उसमें कभी पेशी कोई ना करे फिर इसी पर बसने के एक दस्तावेज तैयार कर ली गई बल्कि आगे अल्लाह तला फरमाते हैं शहीद को दो गवाह भी उनके ऊपर बना दो उस दस्तावेज के ऊपर दो गवाह भी बनाओ यह इसलिए फरमाया कि दस्तावेज तो बेशक लिख ली लेकिन अगर दस्तावेज़ तो लिख ली गई है और वक्ती तौर पर दोनों ने तहरीर को तस्लीम भी कर लिया है लेकिन कभी अगर तनाज़ा पेश आए और झगड़ा हो जाए और एक शख्स कह रहे कि मैंने तो ये तहरीर नहीं लिखवाई यह इस पर मेरे दस्तखत जो हैं वो हकीकी नहीं है जाली है या मेरी तहरीर नहीं है मेरी मर्जी से नहीं लिखवाई गई तो अब उस सूरत में उस तहरीर को साबित करने के लिए ज़रूरत पेश आएगी गवाहों की तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो गवाह बना उस तारीख के ऊपर और इस तरह अल्लाह ताला ने गवाही का निसाब भी बयान फरमा दिया कि किसी चीज़ को दूसरे के ज़िम्मे लाजिम करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम दो गवाह हों और बात दरअसल ये है कि किसी बात का या किसी वाक़े का सच्चा होना और किसी वाक्य को सच्चा समझना ये तो एक बात है ये आदमी जिस शख्स को भी कराइन से हालात से मुशाहदे से किसी बात का यकीन हो जाए वो उसको सच्चा समझ सकता है लेकिन एक होता है दूसरों के ज़िम्मे उस सच को लाजिम करना यानी दूसरों के ऊपर हज्जत कायम करना तो ये बगैर गवाही के नहीं और उसके लिए शरीयत ने यह फरमाया कि दो गवाह होने चाहिए मिर्रजाली कुम तुम्हारे मर्दों में से यानी असल यह है कि गवाह कौन हो मर्द हो और तुम्हारे मर्दों से इशारा इस बात की तरफ है कि वो मुसलमान होने चाहिए मुसलमान मर्दों में से दो गवाह हों फिल्म में कूना रजूल अगर दो मर्द मैसर ना हो फराजुल बमरातान तो एक मर्द हो जाए और दो औरतें हो जाए यानी ये निसब शहादत इस तरह बयान फरमा दिया कि या तो दो मर्द हो या दो औरतें हों फिर ये फरमाया कि मिमन तरजाऊ ना मिला शहादा गो गवाह भी कैसे होने चाहिए कि जो तुम्हारे पसंदीदा लोग हों मुराद पसंदीदा लोग होने थे कि उनका अख्लाक उनका किरदार उनकी आदत उनका मिजाज वैसे तो मजमू लोगों में पसंदीदा हो इसलिए कि गवाही तो झूठी भी हो सकती है अगर वो लोग झूठे हैं नाकबिल एतबार हैं तो उनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं हो सकती वो हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो इस वास्ते उनका उनकी गवाही का कोई एतबार नहीं इसलिए ऐसे लोग तलाश करो कि जिनको लोगों में आम तौर से पसंद किया जाता हो उनके अखलाक और किरदार केतबार से अब इसका बयान मुख्तलफ दौर में मुख्तलिफ़ तरीके से मुकर किया गया है बहरहाल मकसद यह है कि गवाह काबिल अतमाद होने चाहिए जिनकी गवाही पर भरोसा हो सके और ये जो फरमाया था कि अगर एक मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हो जाए तो उसकी वजह अल्लाह तेन फरमाई लाहदा हुमा फतजरा अहदा उखरा यह हमने इसलिए फ़रमाया कि अगर दो औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे मतलब कहने का यह है कि जब कोई वाक़ अपनी आँखों से देखा तो उसकी तफसत बसाओक़ात याद नहीं रहती ख़ास तौर से ख़ुतान को कि चूँकि ये ख़रीदारी और ऐसी ख़रीदारी जिसके लिए दस्तावेज़ मरतब करने की ज़रूरत हो कानूनी चारजुई वगैरह करने की ज़रूरत हो ये शरीयत ये चाहती है कि ये काम मर्दों ही के ज़रिए अंजाम दिया जाए ख़वातीन को इस खखेड़ में ना लाया जाए लिहाजा जब ये बात है तो असल बात यह है कि दो मर्दों को गवाह बनाए ख़वातीन को बीच में लाया ही ना जाए लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि मामला ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दो मर्द मुहैया नहीं है तो उस सूरत में यह फरमाया कि एक मर्द और दो औरतें हो जाए एक मर्द और दो औरतें होने की वजह यह बयान फरमाई कि दो औरतें जो हैं चूंकि असलन औरतों को इस किस्म के कारोबार का मुकलफ़ नहीं बनाया गया इस वास्ते उनका जहन इस तरफ पूरी तरह चलता नहीं और चूँकि चलता नहीं तो इस वास्ते आदमी जिस चीज़ की अहमियत समझता है जो उसके फ़राज़ मनसबी में दाखिल होती है उसको तो अच्छी तरह याद भी रखता है लेकिन जो चीज़ इंसान के फ़राज़ मंसबी में दाखिल नहीं है और जो इंसान के अपने तजर्बे के अंदर जिसमें उसका ज़्यादा दखल नहीं है उसमें उसके भूल जाने का तफसी भूल जाने का इम्कान ज़्यादा होता है तो अल्लाह ताली फरमा रहे हैं कि इसमें चूँकि इम्तान है तो हो सकता है कि खवतिन जिस वक्त मामला हो रहा था उस तो वक्त तो, तो वो गवाह बन गई और गवाह बनने को कबूल भी कर लिया लेकिन बाद में उसकी बात तफसील तो उनके जहन से निकल गई क्योंकि उनका रोज़मर्रा का ये काम नहीं उनके फराज मंसूब में यह दाखिल नहीं लिहाजा अगर उनके जहन से निकल जाए वो बात तो एक के जहन से अगर निकल गई है तो दूसरी उसको याद दिला दे तो फिर उसको याद आ जाएगी और फिर वो गवाही देने के काबिल हो जाएगी ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो ये फरमाया गया कि एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे ये गवाही देते वक्त की बात नहीं है कि जिस वक्त एक औरत गवाही दे रही है उस वक्त भूल गई और दूसरी औरत उसको बीच में लुकमा देकर उसको दुरुस्त कराए और कहे कि बात क्यों नहीं यूँ है इस किस्म की गवाही मोतबर नहीं होती बल्कि ये ज़िक्र हो रहा है गवाही से पहले जो वक्त गुजरा है उसमें वाकयात की तफसील याद होने का जिक्र हो रहा है कि वाकयात की तफसील हो सकता है कि खातून को इसलिए जहन में न रही हो तो कि ये उसके फ़राज़ मनसबी का काम नहीं था रोज़मर्रा का काम नहीं था इसलिए उसके जहन से ये बात निकल गई तो दूसरी उसको याद दिलाएगी कि नहीं वाक्य यूं हुआ था तो फिर उसके ध्यान में आ जाएगा और फिर जब गवाही देने का वक्त आएगा तो वो सही तौर पर गवाही दे सकेगी तो फरमाया कि वला अब शोहदा उदामू अब ये एक हुक्म दिया गवाहों कि जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए या गवाह बनने के लिए बुलाया जाए तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए अल्लाह तबारक ने ऐसा मतदिल दीन हमको दिया है और ऐसे मतदिल अहकाम दिए हैं जिसमें हर एक शख्स से उसके मुनासिब खिताब किया गया है आजकल हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक वाले ने यहाँ दो फरीक़ जिक्र किए हैं दोनों को उनके मुनासिब हुक्म दिया है गवाहों को तो यह हुक्म दिया है कि जब तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाया जाए दे गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो इनकार ना करो बल्कि आगे फरमाया कि गवाही को छुपाना एक बड़ा जुर्म है और गुना है तो उनको तो यह हुक्म दिया लेकिन आगे जो लोग के गवाहों को बुला रहे हैं चाहे गवाह बनने के लिए या गवाही देने के लिए उनको यह फरमाया गया है कि वला रकातबो वला शहीद लिखने वालों को और गवाही देने वालों को तकलीफ़ हरगिज़ ना पहुंचाई जाए यानी ये कि जब तुम उनसे एक खिदमत ले रहे हो गवाही की तो फिर उनको तकलीफ़ न पहुंचाओ कम से कम उनका वक्त खर्चो कम से कम उनकी मेहनत खर्चो और वो अपना फरीजा अदा करके चले जाएं। बात यहाँ से चलती है कि अगर गवाह को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जा रही वो जानता है कि मैं चंद मिनट के लिए जाऊँगा और गवाही देकर आ जाऊँगा तो फिर वो गवाह बनने से इनकार भी नहीं करेगा लेकिन हमारे यहाँ हो यह रहा है कि अगर कोई शख्स किसी मुकदमे में गवाह बन गया तो उसकी आफत आ गई वो उसको बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और वहाँ पर जाकर घंटों बल्कि बाद मरतबा कई कई दिन उसके खर्च होते हैं और फिर दुश्मनियाँ अलग पैदा होती तो हर तरह की मजरत उसको पहुँच रही है चूँकि हर तरह की नुख, का नुकसान पहुँच रहा है लिहाजा अगर किसी को बुलाया जाए गवाह बनने के लिए या गवाही देने के लिए तो वो कतराता है वो गवाही देने से इनकार करता है और जब सच्चे गवाह गवाही देने से इनकार करते हैं तो मुकदमे करने वालों को फिर इस बात के ऊपर तरगीब होती है कि वो झूठे गवाह लाएं किराए के गवाह लाएं पैसे दे देकर गवाहियाँ हासिल करें रिश्वत देकर गवाहियाँ हासिल करें नतीजा है कि सारा निज़ाम में अदल तलपट हो जाता है तो अगर ये दो अहकाम क़रन करीम के सामने रखे जाएं कि कातब और गवाह को तकलीफ़ न पहुँचाई जाए और जिनको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है वो गवाही देने से इनकार न करें तो अदल इंसाफ का निज़ाम बड़ा साफ़ शफाफ और आरामदेह हो सकता है फिर आगे फरमाया वलातस अबू सगीरन सगीर कबीरन अला जानी इस बात से ना उकताओ लिखने से ना उकताओ। यानी का, कातबों से किताब है जब तुम्हें दस्तावेज़ लिखाने के लिए बुलाया जा रहा है तो बाद अवकात तुम्हें देखोगे कि दस्तावेज लंबी चौड़ी दस्तावेज़ है अब कहाँ मैं लिखता फिरूंगा कहां में कितनी देर लगेगी तो अल्लाह अल्ला फरमान चाहे वो छोटी दस्तावेज़ हो या बड़ी हो उसको लिखने से उकताओ नहीं रालकुम अमल अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के ने दिख ज़्यादा करीन इंसाफ़ है व अकवम्ल शहादा और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतरीन ज़रिया है वह अदना अल्लाह तर और इस बात की करीबी जमानत है कि तुम आइंदा शक में नहीं पढ़ोगे क्योंकि जब तहरीर लिख दी गई तो फिर शक को शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी इल्ला इलाकून तजारतन हाजिर हाँ अगर तुम्हारे दरमियान कोई नकद लेन देन का सौदा हो तो फल साल जना तक तब को न लिखने में तुम्हारे लिए कुछ हर्ज नहीं है यानी लिखने की जरूरत तो वहाँ पे चाहती है जबकि किसी के जिम्मे कोई हक वाजिब हो रहा है तो वो हक बाद में अदा होना है ताकि वो दस्तावेज़ सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए लेकिन जब हाथ दर हाथ लेन देन हो रहा हो तो फिर उस सूरत में लिखने की ज़रूरत नहीं इससे मालूम हुआ कि पीछे के जो आहकाम आ रहे हैं ये सब लेन देन उधार लेन देन से मुतल हैं जो बराह रास्त जिसमें हो रही है जिसमें हाथ दर हाथ पैसे लिए दिए जा रहे हैं उनसे मुतालिक नहीं है उसमें फरमाया कि अगर कोई न लिखो तो कोई हरज नहीं वह अशिधु इजातबायात हो अलबत् फरमाया कि जब खरीद फरोख करो तो गवाह बना लिया करो यानी चाहे वो बै बिल्कुल नकद हो रही हो लेकिन उसमें भी गवाह बना लेना बेहतर है ताकि कल को अगर कभी साबित करने की पेशा जरूरत पेश आए तो गवाह गवाही दे सकें व ला जवार न कातबन शहीद और न लिखने वाले को कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाए और न गवाह। व इनतफ़ा और अगर ऐसा करोगे यानी तकलीफ़ पहुँचाओगे कातिब को तकलीफ़ पहुँचाओगे या गवाह को पहुँचाओगे फिन नहु फुसु कम तो यह तुम्हारी तरफ़ से नाफरमानी होगी अल्लाह ताला की वत और अल्लाह का खौफ दिल में रखो वकुमल और अल्लाह तुम्हें तालीम देता है व्हासिन आलिम और अल्लाह ताल हर चीज़ पर का इल्म रखने वाला है आगे अल्लाह ताला मजीद तफ़ी बयान फरमाते हैं कि वह इन कुंतुम अला सफ़र अगर जिस वक्त तुम्हारे दरमियान कोई उधार लेन देन हो रहा है उस वक्त तुम अपने वतन में ना हो सफर पर हो वलम तजिदू काती और कोई लिखने वाला तुम ना पाओ मुयसर ना आए कोई लिखने वाला लिहाजा कोई दस्तावेज तो तैयार हो नहीं सकती तो फरमाए फरिहान उ मकबूद तो फिर रहन कब्जे में रख लिए जाए रहन वो चीज़ है जिसे उर्दू में गिरवी रखना कहते हैं और मुराद इससे यह है कि जब कोई शख्स अपने ज़िम्मे अदा हक़ की तोसी के लिए कोई चीज़ साहेब हक के पास रखता है कि भाई ये रख लो और ये इस बात की तोसीक़ है कि मैं वक्त पर तुम्हारा हक अदा कर दूँगा मसन कर्ज़ दिया किसी को एक लाख रुपये और कर्ज़ लेने वाले ने ज़ेवर अपना रखवा दिया गिरवी रखवा दिया मतलब यह है कि जब तक मैं ये अदा ना करूँ तब तक ये जेवर तुम्हारे पास रहेगा और जब मैं अदा कर दूँ तो मुझे वापस कर दिया जाएगा और अगर मैं किसी वक्त अदा ना कर पाऊँ तो ये बाद हालात में इस जेवर को बाजार में बेच कर तुम अपना अपना हक़ हासिल कर सकते हो इसको रहन भी कहते हैं गिरवी भी कहते हैं तो इस आय से करीबा ने बताया कि रहन रखना भी जायज़ है साथ साथ इशारा इस बात पर हो रहा है कि भाई असल चीज़ तो दस्तावेज़ होनी चाहिए दस्तावेज ही पर इतफा करना चाहिए यह कोई अच्छी मरूबत वाली बात नहीं है कि आप जो है किसी की कोई चीज़ उठाकर रहन रख लें यानी यह कोई पसंदीदा सूरत नहीं अगरचे जाए लेकिन पसंदीदा सूरत नहीं पसंदीदा है पसंदीदा यह है कि अगर कोई उधार का मामला है तो दस्तावेज़ तैयार करके रख लो वो तुम्हारे लिए तोीक़ का काम करे लेकिन जहाँ इसका इम्कान ना हो जैसे कि सफ़र में हो तो फिर रहन भी रख लो लेकिन यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि ये एक अल्लाह ताला ने इशारा दिया है इस बात की तरफ कि बग़ैर रहन के काम चल सके तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रहन रखना बिल्कुल ही ना जायज़ या अगर सिर्फ सफ़र में जायज़ है और हजर में जायज़ नहीं है बल्कि मतलब यह है कि जायज़ तो है और लेकिन उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी वक्त इख्तियार किया जाए जबकि दस्तावेज़ मुरतब ना हो सकती हो लेकिन अगर बाद जगह दस्तावेज़ भी मुरतब की और कुछ रहन भी रख दिया तो कुछ शरन, कोई शरण कोई ममानात नहीं है ख़ुद रसूल करीम वसल्लम ने अपनी तरह रहन रख कर जाओ कुछ गल्ला यहूदी से ख़रीदा था तो इसलिए रहन रखना फी ही जायज़ है और सिर्फ हालत सफर ही में जायज़ नहीं है जब आदमी सफ़र में ना हो तब भी जायज़ है फिर आगे फरमाया कि फ़ैन अमीना बाम बता फिर जब तुम में से एक दूसरे का भरोसा कर दो दूसरे पर एक दूसरे का एतबार कर लो तो जिस शख्स के ऊपर भरोसा किया गया है वो जिस शख्स पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत जिसके ऊपर भरोसा किया गया था वो सही तरीक़े से अदा करे और अपने परवरदिगार अल्लाह से डरे। क्या मतलब है इसका इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करो रहन रख लिया गया है तो वो रहन जिस शख्स ने भी रखा है कर्ज खा जिसने रहन रखा है उसके पास वो अमानत है इसीलिए ये बात मुतफ़ा है और इसमें कोई सब शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जिस शख्स ने कोई चीज़ रहन रखी है उस रहन से वो फ़ायदा उठाना उसके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं हराम है वही सूद के हुक्म है और जैसे कि आवाज अगर आवाज है कि मसल ज़मीन रहन रखी तो जो शख्स रहन रखता है वो उसमें काश्तकारी करके उससे खेतियाँ भी पैदा करता रहता है यह हरगिज़ जायज़ नहीं है ये सूद है हराम है बिल्कुल तो ये अमानत है जब अमानत है तो अब क्या करो कि जब वक्त आए अदायगी का यानी जब मकरूज़ अदायगी कर दे तो फिर उसको अमानत उसकी वापस कर दो एक माना भी हो सकता है और दूसरे माना ये हो सकते हैं कि अगर किसी शख्स ने बावजूद है कि उसको रहन रखने का हक़ हासिल था लेकिन उसने कहा भाई चलो क्या रहन रखूँ नहीं रखता रहन और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया और भरोसा करके उसने न तो दस्तावेज लिखवाई और ना कोई रहन रखा तो फैन अमीना बाम बा जब तुम में से एक ने दूसरे के ऊपर भरोसा कर लिया फल युद्ध तुमीना तो जिसको अमानत रखवाई गई यानी जिसको के ऊपर भरोसा किया गया वो अदा करे अपनी अमानत यानी अब अब वो कर्ज तो था ही उसके ज़िम्मे कर्ज़ की वापसी उसके ज़िम्मे थी या उधार जो उसके ज़िम्मे था उसको वापसी जिम्मे थी लेकिन उसमें एक अमानत का पहलू भी पैदा हो गया अमानत का पहलू यह पैदा हो गया कि जिसने तुम्हें दिया है वो उसने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके दिया तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया है कि ये वक्त पर अदाई करेगा उस बेचारे ने तुमसे कोई तहरीर भी नहीं मांगी और उसने तुमसे कोई रहन भी नहीं मांगा तो फिर उसको तुम्हें चाहिए कि इसको उसका इतना ही एहतराम करो जैसे कि इमानत का एहतराम किया जाता है तो वो उसको वापस कर दो वक्त पर वल जब तक ला रबा और अल्लाह से वसर डरे के अफस बंदे का हक अगर मैंने पामाल किया तो अल्लाह ताला भी मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगा वला तक तुम उस शाह और चूँकि जिक्र आया था कि भाई गवाह बना लिया करो ऐसे मौके पर तो अल्लाह अल्ला फरमाते हैं कि कोई शख्स गवाही छुपाए नहीं जो गवाह बन गया है जब उसको गवाही देने का वक्त आए तो छुप गवाही को छुपाए नहीं वो मकतुभा और जो सस के उस गवाही को छुपाएगा फ़िन आसिम सिल्बू तो उसका दिल गुनागार है यानी ये गवाही को छुपाना ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि ये इंसान के दिल की खराबी के ऊपर दलालत करती है कि वो हक बात को छुपा रहा है और उसके नतीजे में फसाद फैल रहा है तो ये दिल से उमड़ने वाले गुनाह वल्व मन आलिम और अल्लाह ताली हर उस बात से वाकिफ़ है जो तुम करते हो यानी ये बार बार अल्लाह ताली मतवज फरमाते हैं कि यह ना समझना कि तुम चुपके से कोई काम कर गुजरोगे और गुनाह का इरतकाम कर लोगे और उसकी सजा से बच जाओगे ये नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ताली हर चीज़ से बाखबर है